Today our topic is related to the linguistic terms homographs and homonyms. So there are two questions in Bach MCQs. First of all, we need to understand these terms. Okay, homophone kya hota hai? Homophone jo hai, wo hum homo mean to say same or phone mean to say sound. तो अगर दो वर्ड्स हों, ठीक है, और अगर उनकी स्पेलिंग चेंज हो, सन एंड सन, एक सन है सूरज और दूसरा सन है बेटा, तो दोनों की स्पेलिंग चेंज है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये जो दोनों वर्ड्स हैं सेम साउंड कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन कहते हैं। अब आती है बात कि होमोग्राफ क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है पाक एमसीक्यूज में होमोग्राफ के बारे में। सो होमोग्राफ जो है उसमें क्या होता है कि स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है लेकिन ज़्यादातर जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो डिफरेंट होती है, या फिर कभी कभार सेम भी होती है लेकिन दोनों की मीनिंग हमेशा डिफरेंट होती है, तो उसको हम होमोग्राफ बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आंसू है वो है टीयर, और जो फटना है किसी चीज़ का, कपड़े का फटना या किसी कागज़ का फटना, तो उसको हम टेयर बोलते हैं, उसको बोलेंगे टीयर और उसको बोलेंगे टेयर। तो जब प्रोनाउंसिएशन में साउंड सेम ना हो, ठीक है, साउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम होमोग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि होमोफोन क्या होता है। होमोफोन जो है बिल्कुल साउंड सेम होता है लेकिन स्पेलिंग चेंज होती है, और होमोग्राफ में बिल्कुल स्पेलिंग एक सी होती है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार डिफरेंस आता है, कभी नहीं भी आता, लेकिन उनकी मीनिंग जो है वो चेंज होती है लेकिन स्पेलिंग हमेशा सेम रहती है। तो होमोफोन में स्पेलिंग चेंज है लेकिन होमोग्राफ में स्पेलिंग चेंज नहीं है। तो अब बात आती है कि होमोनिम क्या है, क्योंकि होमोनिम का क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास। तो होमोनिम के बारे में हम जानते हैं कि होमोनिम जो है वो होमोफोन भी हो सकता है, होमोग्राफ भी हो सकता है। तो दोनों जो होमोफोन या होमोग्राफ हैं दोनों को हम होमोनिम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, जिस तरह से सन एंड सन, सन एक सूरज और सन एक बेटा, तो ये जो हैं दोनों होमोफोन्स हैं। और फिर फ्लाई, फ्लाई मीन्स हाउस फ्लाई, कोई भी जो है उड़ने वाला जो कीड़ा है उसे हम कह सकते हैं, और एक फ्लाई है जो हम स्काई में उड़ते हैं। तो फ्लाई फ्लाई जो है वो उनकी मीन्स प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे होमोफोन में हम देख रहे हैं कि सन और सन स्पेलिंग चेंज है लेकिन साउंड सिमिलर हो रहा है। तो टीयर आंसू और टेयर किसी चीज़ का फटना, तो इन दोनों को मीन्स होमोफोन एंड होमोग्राफ, इन दोनों को हम होमोनिम में काउंट करेंगे। तो हमारे पास ये जो पहला सवाल है इसका पाक एमसीक्यूज में कि द वर्ड बैंक इन द वर्ड, जो वर्ड बैंक है, ठीक है, वो ऑन द बैंक्स मीन्स ऑन द रिवर होता है एंड बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे एक्चुअली सवाल में हमें ये बता रहा है कि जो बैंक वर्ड है वो एक रिवर का भी बैंक हो सकता है, रिवर का किनारा हो सकता है, और दूसरा जो बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो जिस तरह से हम पैसे वगैरह रखते हैं बैंक्स में। तो बैंक बैंक जो हैं दोनों स्पेलिंग तो सेम है और इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन भी सेम आ रही है लेकिन इनकी मीनिंग दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस तरह से ये दोनों होमोग्राफ्स हो गए। और दूसरे क्वेश्चन में होमोनिम के बारे में कह रहे हैं कि होमोनिम इज़ यूज्ड टू डेजिग्नेट वर्ड्स प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली थ्रू आइडेंटिकली, दो आइडेंटिकली। तो यहाँ पे होमोनिम के बारे में कहा जा रहा है कि जो वर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस होते हैं लेकिन वो दोनों जो हैं वो होते आइडेंटिकल हैं। तो हमने क्या समझा कि होमोफोन जो है वो
डिफरेंट स्पेलिंग होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है, लेकिन दे साउंड सिमिलर। और होमोग्राफ में बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, साउंड थोड़ा डिफरेंट आ जाता है और जो है मीनिंग भी डिफरेंट होती है। और होमोनिम जो है वो दोनों में होता है, होमोफोन को भी हम होमोनिम कह सकते हैं और होमोग्राफ को भी हम होमोनिम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से एग्जांपल्स हैं कि सन सन, फ्लाई फ्लाई, टीयर एंड टेयर, ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना इसमें आ जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।